देखिए जो आबादी की बात है, बंजर की बात है, नवीन प्रति की बात है, तो एक तो बात यह समझ लीजिए कि उन सारी जमीनों को जो गांव के दबंग है, जो मनबड़ू किस्म के लोग हैं, वही लोग कब्जा किए हैं, लड़ भी। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या मिला है? बहुत कुछ लैटरिन मिला है। अच्छा। और जो भी मतलब इस तरह का बात आता है, मतलब जो कह रहे हैं सही है? सही है, सत्य बात है, हम कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें डरने वाले कौन लोग होंगे? ग्राम प्रधान होगा, सीरेटरी होगा, जेई होगा, एडीओ होंगे, बीडीओ होंगे, जो भी विकास के सिस्टम से जुड़े लोग हैं, जो लूट में शामिल लोग हैं, डर तो उनके अंदर रहेगी। आप कह रहे हैं कि प्रधान जी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो किए हैं, आपको आवास मिला है क्या? क्या आवास? हमको आवास की क्या जरूरत है? नहीं है, हम तो खुद ही है, भगवान दिए हैं। नाली में देखिए, नाली में जो ईंट लगी है वो एक नंबर की ईंट लगी है, और इसकी जोड़िया 5 हेक्टेयर की हुई है। डर तो नहीं है, देखिए ईमानदारी में दमदारी होती है। डरता तो वो लोग है जो गलत करता है। साथियों नमस्कार, आज हमारी दस्तक ग्राम सभा करंडा, जो ब्लॉक मुख्यालय से सटा हुआ ग्राम सभा है, और यह पूरी क्षेत्र की ग्राम सभाओं में एक चर्चित ग्राम सभा है, जिसके प्रधान हमारे बगल हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। सबसे पहले प्रधान जी, आपका चैनल में स्वागत है। आप लोगों को भी धन्यवाद। और जैसा कि आपको इस गमछे के हिसाब से मैं आपको लाल सलाम करता हूं। लाल सलाम, जय भीम। प्रधान जी, आप हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्या बात है? कुछ लोग आप पर आरोप लगाते हैं, कुछ लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, गांव में पक्ष और विपक्ष दोनों लोग रहते हैं। अब बात आरोप और प्रत्यारोप की हो रही है, तो देखिए अगर काम को लेकर के अगर कोई आरोप लगा रहा है, तो उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं काम को लेकर, तो काम ऐसा कौन सा किए हैं कि आरोप लगा रहे हैं? नहीं, दरअसल कुल मिलाकर के हमारे अंदर जो सच्चाई है, वो सही को मैं सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा, तो इसमें जो है कि अगर कोई गलत किया है और हमसे वो अपना सही बात मनवा ले, तो उसका मैं बात नहीं मानूंगा, तो वो तो गलत हमको कहेंगे ही। तो गलत आप क्या किए हैं और सही क्या किया? हमको तो नहीं लग रहा, हमको तो नहीं लग रहा कि अपने जाने में हम कहीं कोई गलती किए हैं। अगर किसी को कोई लग रहा है तो हमको बता दे। सही ही आप क्या किए? देखिए, सही तो हम देखिए लगातार यहाँ गाँव में विकास हो, लोगों का सम्मान हो, सुरक्षा हो, इसके लिए लगातार हम तत्पर रहे हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप नाली बनवा रहे हैं, इसमें जो सीमेंट है, बालू है, छड़ है, गिट्टी है, जो भी है, उसका क्या रेशियो है? देखिए, ये जो हम काम करा रहे हैं, हाँ, ये ब्लॉक मुख्यालय के सामने काम है, हाँ, ये काम केवल ब्लॉक मुख्यालय तक ही नहीं है, बल्कि इस गांव सभा में जहां पर भी हम काम कराए हैं, ये सारे काम जो है कि मैं अपने समझ से, लोगों के, गांव वालों के समझ से, जो अच्छा रहता है, जो लोग कहते हैं बढ़िया है, उसी आधार पर मैं काम करता हूँ। ये ब्लॉक के सामने जो हम काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक नंबर की ईंट लगी हुई है। अच्छा। ये जो है कि पटिया जो ढाली गई है आप लोगों के सामने, इस पटिया के अंदर ये 12 छड़ पड़ी हुई है, 4 फुट की ये छड़ है। अच्छा। और इसकी ढलैया जो है 6 इंच है, और इसको मैंने जो है कि 2.5 एकड़ के मसाला से तैयार किया है। अच्छा। और ये जो नाली बनी है, नाली का क्या एस्टीमेट है? नाली में देखिए, नाली में जो ईंट लगी है वो एक नंबर की ईंट लगी है, और इसकी जोड़िया 5 एकड़ की हुई है। अच्छा। और हम अपने समझ से ये कितना अच्छा ठोस हो, कितना बढ़िया हो, अन्य लोगों से भी पूछते हैं कि इसमें कोई कमी हो, कहीं कोई गलती हो तो आप लोगों को बताइए, उस गलती को मैं सुधारूंगा और काम सही हो। प्रधान जी, दूसरे प्रधान तो 7 एकड़ की जोड़िया करते हैं और सफेद बालू का यूज करते हैं, क्या आप सफेद बालू नहीं जोड़ते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कहीं पर भी आप सफेद बालू नहीं पाएंगे। क्यों? कहीं पर कर है, चाहे वो हमने बालिका विद्यालय में काम कराया हो, वहां पर बाउंड्री उच्चीकरण का सवाल हो, शौचालय का सवाल हो, टाइल्सीकरण का सवाल हो, रैंप का सवाल हो, या चबूतरा का सवाल हो, या आप आएंगे इधर आगे बढ़ेंगे तो ये प्राइमरी पाठशाला करंडा नंबर 2 है, वहाँ बाउंड्री उठाने का सवाल हो, वहाँ टाइल्सीकरण कराने का सवाल हो, या और आगे इधर आएंगे तो ये संजय भारती के घर से लेकर के राम नगीना कनौजिया तक खंजा लगाया हूँ मैं, और उसमें जो है कि ढक्कनदार नाली बनाया हूँ, वो है राधे यादव के घर से लेकर के यहाँ मतलब कि राकेश बनवासी घर से लेकर के राधे यादव के घर तक गली में मैं जो है कि नाली बनाया हूँ, इंटरलॉकिंग किया हूँ। इसके बाद और आगे आएंगे तो हमारी बनवासी बस्ती है, उसमें जाने के लिए जो रास्ता था बहुत कीच काच रहता था, लोग परेशान थे, लेकिन उसको आज हमने जो है कि ढक्कनदार नाली बना करके इंटरलॉकिंग करा करके फिट कर दिया है, लोग आराम से उसमें बैठ भी रहे हैं, सो भी जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद आगे आएंगे तो ये काली माई का स्थान है,
तो वहाँ मतलब है कि पिंटू बनवासी के घर से लेकर के सोहन बनवासी के घर तक मैंने इंटरलॉकिंग और ढक्कनदार नाली का निर्माण किया है। एक गली ऐसी थी गरीब बनवासी और बसंतू बनवासी के बीच में, उस गली में कभी कोई नहीं जा रहा था, लेकिन उस गली को मैंने साफ सफाई किया और उसको जो है कि इतना अच्छा कर दिया इंटरलॉकिंग लगा करके कि लोग उसमें आना जाना शुरू कर दिए हैं। हमारे घर के सामने आइएगा तो हमारे घर के सामने जो है कि ऐसा खंजा था जिस पर साइकिल लेकर के लोग एक साइड से दूसरे साइड नहीं हो सकते थे, लोग परेशान रहते थे, लेकिन उस खंजा को भी मैंने ऐसा कर दिया है कि फर्स्ट क्लास का इंटरलॉकिंग है, दोनों तरफ ढक्कनदारी में लगा दिया और आज उस पर जो है कि लोड ट्रैक्टर लेकर के लोग अपने स्थान तक पहुंच रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा ये बताइए कि काम बोलता है। हाँ आप कह रहे थे कि काम बोलता है। हाँ। आप किसी से जाके पूछ लीजिए। हाँ, तो ग्राउंड रिपोर्ट ले सकते हैं। एकदम ले क्या काम आपका बोलता है? काम बोलता है हम ये नहीं जानते हैं। लोग कहते हैं, मैं इस बात को जानता हूं। अच्छा जो आपके विषय में आलोचना करते हैं आखिर उनके मन में क्या बात है, क्यों आपके आलोचना? अब मैं इस बात को नहीं जानता हूं कि वो लोग आलोचना क्यों करते हैं। हो सकता है कि और अच्छा काम कराने के लिए हमारी आलोचना करते हो, तो हो सकता है। उनकी बात तो सुनते हैं, हम सबकी बात सुनते हैं, जो आएगा उसकी बात सुनते हैं, लेकिन आकर बताओ हमके पक्ष विपक्ष तो नहीं। हम अपने स्तर से पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि हम सबके हैं और सभी लोग हमारे हैं। अच्छा ये बताइए ब्लॉक मुख्यालय के पास में आप हैं, कहीं डर से तो नहीं आप ऐसा करते हैं? हम किसी से डरते नहीं हैं। देखिए ईमानदारी में दमदारी होती है। डरता हाँ। तो वो लोग है हाँ। जो गलत करता है। अच्छा। डरते ये ब्लॉक के अधिकारी हैं। अच्छा। इसमें डरने वाले कौन लोग होंगे? हाँ। ग्राम प्रधान होगा, सेक्रेटरी होगा, जेई होगा, एडीओ होंगे, बीडीओ होंगे, जो भी विकास के सिस्टम से जुड़े लोग हैं, जो लूट में शामिल लोग हैं, डर तो उनके अंदर रहेगी। वो लोग गाँव के प्रमुख हैं, आपके सहयोगी सेक्रेटरी और लेखपाल या और भी कर्मचारी हैं हमारे साथ, जो उनसे कम्बिनेशन आपका सही रहता है? वो जो हमारे साथ के लोग हैं वो समझते हैं कि ये प्रधान जो कह रहा है अगर उस बात को हम लोग नहीं मानेंगे तो ये बवाल कर देगा। उनका जो शेयर हमारे है, जो शेयर बनता है प्रधानों से लेते हैं, क्या आपसे भी वैसे ही व्यवहार? देखिए हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होता। अगर उस तरह का व्यवहार होता तो गांव में काम नहीं होता। या 10% 5% 3% 2% ये जो परसेंटेज बना है लोगों का, अगर वो चीजें हमारे साथ रहती तो आज इस तरह का काम नहीं हो पाता। अच्छा अच्छा अच्छा, जो परसेंटेज वाला मामला है उसको इसमें यूज कर देते हैं। हम यूज करते हैं। हम तो वैसा प्रधान है कि एक बार मजदूरों की मजदूरी कम हो गई, 13,000 रुपया हमारा था, वो जो हमको 5,000 रुपया महीना मिलता है सरकार के तरफ से, वो बटोर कर रखे थे 13,000 रुपया, मजदूरी में कम पड़ी, बस उसको उतार कर दे दिए मजदूरों को, है ना? अच्छा क्या नाम है आपका? महेंद्र चौहान। अपना तनख्वाह खुद उतार कर देते हैं। इनको आप जानते हैं? किसको? इन्हीं को प्रधान, हमारे ग्राम प्रधान है। अच्छा आपके लिए क्या किया इन्होंने? बहुत कुछ किया। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि प्रधान जी के बारे में आप कह रहे हैं कि वो किए हैं, आपको आवास मिला है क्या? क्या आवास? हमको आवास की क्या जरूरत है? नहीं है, हमको खुद ही है, भगवान दिए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या मिला है? बहुत कुछ, लैट्रिन मिला है। अच्छा, और जो भी मतलब इस तरह का बात आता है, मतलब जो कह रहे हैं सही है? सही है, सत्य बात है, हम कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब विकास के लिए लड़ जाते हैं किसी से? हाँ, लड़ते हैं, यहाँ इनका जिला तक पहुँच है। अच्छा, और आगे तक पहुँच है? आगे तक पहुँच है, तब क्या? अच्छा मतलब ये किसी से डरते नहीं? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा, तो प्रधान जी बताइए आवास आपने कितना बनवाया गाँव में? कि हमारे पीरियड में तो आवास लिस्ट बनी ही नहीं। अच्छा। पुराने प्रधानों के जमाने की जो लिस्ट थी उसी लिस्ट के हिसाब से हमने 13-14 लोगों को मकान दिया है। अभी जो सर्वे हो रहा और उस मकान में हमने कह दिया ब्लॉक वालों से कि अगर कहीं से कोई एक रुपया भी गरीबों से लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। शौचालय यहाँ हमको लग रहा है कि 50-60 लोगों को दिए हैं, जिनको हम जो चीज देते हैं उनको बता देते हैं कि आप लोग किसी को एक रुपया मत दीजिएगा, और जो लोग पैसा मांगेंगे वो आकर हमको आप बता दीजिएगा। अच्छा, इस तरह की स्थिति है हमारे यहाँ। सरकारी जमीन है, जीएस आबादी है, बंजर है, उसको भी वितरण करने का आपने काम किया है? देखिए जो आबादी की बात है, बंजर की बात है, नवीन प्रति की बात है, तो एक तो बात यह समझ लीजिए कि उन सारी जमीनों पर जो गांव के दबंग हैं, जो मनबड़ो किस्म के लोग हैं, वही लोग कब्जा किए हैं, लड़ भिड़ करके किसी तरीके से वो 7.5 बीघा जमीन थी मदनीपुर के आसपास, वहां पर 7 लोगों को बसाया। ऐसे लोग बसे हुए हैं जो वास्तव में पात्र थे, एकदम गरीब थे, एक ही घर में लोग गुजर करते थे, लेकिन आज वहां है। अभी भी हम जमीन की बात कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं कि जो गांव समाज की जमीन है, बंजर है, परती है, या नवीन कोट है, गोबरगड्डा हरोहर है, चकनाली चकरोड है, नाला भीठा है, कुआं पौधर है, इसके इसको खलिहान है, जो ये सारी जमीनें गांव के लोगों ने कब्जा किया है, अगर वह जमीनें सरकार खाली करा दे, अगर सरकार हमारा सहयोग कर दे, तो ये गाँव में जो जल निकासी की समस्या है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन सारी परेशानियों को मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा हाँ, जमीन जमीन जो है वहाँ पर एक बस्ती भी बसा देंगे?
बस्ती बसाए बसाए हुए हैं, बसाएंगे भी। और यादव जो लोगों को भी, दो लोगों को हमने बसाया है, वही हॉस्पिटल के पास में, वो भी भूमिहीन थे, गरीब थे, उनको भी हमने बसाया। यहाँ जात की बात नहीं है, सही और गलत की बात है। बिरादर कोई होगा, अगर पात्र है तो जो उसका हक बनेगा उसको हक मिले, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, प्रयासरत रहूंगा, ये हमारी एकदम साफ बात है। प्रधान जी, आपको अगला चांस मिलेगा तो क्या करेंगे? देखिए, वो गांव के लोग हैं, अगला चांस देंगे कि नहीं देंगे। अगर गांव के गरीब ये ठीक रहेंगे, अगर ये बैकवर्ड ठीक रहेंगे और जो इंसाफ पसंद लोग ठीक रहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमको कोई लोभ लालच मोह माया नहीं है। मतलब संघर्ष इसी तरह से करते रहे? संघर्ष हमारा पहले से भी चल रहा है, आज भी चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। साथियों, अभी थे राजेश बनवासी, ग्राम प्रधान करंडा। इन्होंने दो टूक शब्दों में अपनी बात को रखा है और विकास के मामले में इन्होंने कहा कि ग्राउंड पर जो हमने काम बनाया, काम किया है, काम बोलता है, और काम देखना है तो आप जा करके देख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजों को गिनाया साथियों, और इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। गांव सभा तो करंडा ब्लॉक में कितनी है प्रधान जी? 52 गांव सभा। 52 गांव सभाओं में राजेश बनवासी को कोई भी जानता है, कोई भी पहचानता है, और सब लोग बताते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ राघव शर्मा, जय हिंद, जय घोष, नमस्कार।